बाबा मिल गए, इससे बड़ा समाचार कुछ नहीं। वादी पक्ष का जिस तरह कहना है कि मस्जिद में शिवलिंग पाया गया है, बिल्कुल गलत है। मस्जिद में कोई शिवलिंग नहीं पाया गया है। मस्जिद में जहां वधू खाना है उसमें फव्वारा है और उसे मिसगाइड किया जा रहा है। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में शिवलिंग मिलने के दावे के बाद माहौल गर्म हो गया। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने परिसर में शिवलिंग मिलने का दावा किया है। हालांकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि जिसे शिवलिंग बताया जा रहा है वो असल में फव्वारा है और हर मस्जिद में होता है। हिंदू पक्ष की ओर से शिवलिंग मिलने का दावा होने के बाद वाराणसी कोर्ट ने मस्जिद परिसर में कई तरह की पाबंदियां लगा दी हैं। वाराणसी कोर्ट के सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर ने एक आदेश पास किया है। उन्होंने मस्जिद परिसर को तुरंत सील करने का आदेश दे दिया। अदालत ने कहा कि हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने मस्जिद परिसर में शिवलिंग मिलने की बात कही है, ये बेहद महत्वपूर्ण सबूत है, इसलिए इसे तुरंत सील कर दिया जाए। कोर्ट ने अपने आदेश में शिवलिंग नमाज और वजू पर पाबंदियों को लेकर क्या क्या कहा, आइए जानते हैं। शिवलिंग पर जिस जगह पर शिवलिंग मिला है उसे तुरंत सील कर दिया जाए, वहाँ किसी भी व्यक्ति को जाने ना दिया जाए। जिस जगह को सील किया गया है उसको सुरक्षित और संरक्षित रखने की पूरी जिम्मेदारी CRPF अधिकारियों की होगी। इसके सुपरविजन की जिम्मेदारी DGP की होगी। नमाज और वजू पर सील की गई जगहों पर मुसलमानों को ना जाने दिया जाए। सिर्फ 20 मुसलमानों को नमाज पढ़ने की अनुमति हो, उन्हें वजू करने से भी तत्काल रोक दिया जाए। मस्जिद परिसर में शिवलिंग मिलने के बाद हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने अदालत में एक प्रार्थना पत्र दायर कर तीन मांगे की थी। उनकी तीन मांगे ये थी कि जहां शिवलिंग मिला है उस जगह को सील करने का आदेश तुरंत CRPF कमांडेंट को दिया जाए। वजूखाना में सुरक्षा बलों की तैनाती हो। मुस्लिमों की एंट्री पर रोक लगाने के लिए जिला कलेक्टर को आदेश दिया जाए। एक बार में सिर्फ 20 मुस्लिमों को ही नमाज पढ़ने की अनुमति हो। वजूखाना के इस्तेमाल पर तुरंत रोक लगाई जाए। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में 3 दिन तक सर्वे हुआ था। ये सर्वे 14 से 16 मई तक हुआ। 3 दिन के सर्वे के बाद कमीशन को अपनी रिपोर्ट 17 मई को अदालत में पेश करनी थी। हालांकि ये रिपोर्ट आज पेश होने की उम्मीद नहीं है। असिस्टेंट एडवोकेट कमिश्नर अजय प्रताप सिंह ने रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया कि अदालत के आदेश पर 3 दिन तक सर्वे हुआ और इसकी रिपोर्ट जमा करनी थी, लेकिन रिपोर्ट अब तक तैयार नहीं हुई है, इसीलिए आज इसे सबमिट नहीं किया जा सका। उन्होंने बताया कि रिपोर्ट सबमिट करने के लिए अदालत से और समय की मांग की गई है। कोर्ट हमें जिस दिन का समय देगी उस दिन रिपोर्ट को सबमिट कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।